आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कॉलम वन में दी गई गर्भ निरोधक विधियों को कॉलम द्वितीय में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कर दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए कॉलम वन में हमें दिया है रसायन आयोडीज अवरोधक निर्जमीकरण तथा कॉलम द्वितीय में यहाँ पर दिए गए हैं ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी कॉपर टी तथा लूप कॉन्डम तथा सर्वाइकल कैप शुक्राणुनाशक जेली तथा फोम अपूर्ण सहवास तथा कैलेंडर विधि तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं हमारे कॉलम वन में हमें यहाँ पर दिया है रसायन तो अगर रसायन की हम यहाँ पर बात करें तो जो रसायन के द्वारा यहाँ पर प्रक्रम चलता है हम कह सकते हैं कि रसायन का जब यहाँ पर उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक विधियों में तो उसके दौरान जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैलीज तथा फॉर्म्स का यूज किया जा सकता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब यहाँ पर रसायन का यूज़ किया जाता है तो रसायन का उपयोग यहाँ पर जैली के अंदर किया जाता है इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर फॉर्म यानी कि झाकनाशक क्रीम भी आती है यहाँ पर उसके अंतर्गत यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रीम जो आती है उसमें यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है और हम यहाँ पर बात करें कि ये किस प्रकार से कार्य करती है तो ये जो है यहाँ पर शुक्राणु का नाश कर देती है अर्थात शुक्राणुओं को खा जाती है शुक्राणुओं को खत्म कर देती है मार डालती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर शुक्राणु नाशक के रूप में कार्य करती है तो हमारा जो ए होगा वो यहाँ पर एस से हमारा मैच कर जाएगा क्योंकि शुक्राणु नाशक जेली तथा फॉर्म जो होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा ए जो है उसमें यहाँ पर एस आएगा इसके पश्चात हमें बी में दिया है आईओडीज तो हम अगर आयोडीज की बात करें कि ये किस प्रकार से कार्यरत होती है तो हम, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आयोडी हमें यहाँ पर दी है इसका अर्थ होता है इंटेरा यूटेराइन डिवाइस अर्थात यहाँ पर जो है यूटेरस जो होता है उसके अंदर जो है यहाँ पर डिवाइसेस लगाए दिए जाते हैं तो हम यहाँ पर आयोडीज की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लूप होता है सबसे पहले अगर इसके उदाहरणों में बात करें तो हम कहेंगे जो लूप यहाँ पर होता है लिपस लूप के नाम से जो फेमस होता है तो उसे हम यहाँ पर लिपस लूप के नाम से लिख सकते हैं जो लूप होता है वो यहाँ पर प्रारंभिक आईयूडी होती है और उसका जो इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है इसे फर्स्ट जनरेशन आईयूडी के नाम से जानते हैं और ये जो होती है यहाँ तो पर शुक्राणु को फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है अर्थात शुक्राणु के भक्षण को बढ़ा देती है इसके पश्चात हम अगर अगले की बात करें तो हम कह सकते हैं कॉपर का जिस आयुडी में यहाँ पर उपयोग किया जाता है वो आयुडीज तो यहाँ तो पर होती पर है हमारी कॉपर टी के नाम से इसके अलावा जो होती है कॉपर तो सेवन के नाम से होती है तो हम कहेंगे इसमें जो होती है कॉपर आयन का उपयोग किया जाता है तथा ये जो कॉपर आयन का उपयोग करते हैं ये शुक्राणु की गतिशीलताओं को कम कर देते हैं इसके अतिरिक्त एक आयुडी होती है जो कि यहाँ पर हार्मोन के रूप में कार्यरत होती है तो हम

पर जो है अवरोध का निर्माण हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है अवरोधक यानी कि अवरोध का निर्माण हो रहा है यानी कि शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए अवरोध का निर्माण होगा तो हम कहेंगे अवरोध अवरोध जो जो है है पर पर वो जैसी संरचना होती हम कहेंगे होते हैं ये की तरह कार्य करते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पर महिलाओं के लिए जो होती है सर्वाइकल कैप निर्मित होती है तो जो सर्वाइकल कैप होती है इनका जो स्थान होता है वो सर्वाइकल होता है तो इसे यहाँ पर सर्विक्स में लगा दिया जाता है सर्विक्स में यहाँ पर इसे लगा देने के पश्चात में यहाँ पर जो है ये अवरोध के समान कार्य करता है अवरोधक का कार्य होता है कि ये अंडाणु को शुक्राणु से मिलने से रोकता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यह है एक शारीरिक रूप से एक अवरोध का निर्माण कर दिया गया है तो हम कहेंगे हमारा जो सी होगा उसे हम यहाँ पर आर से मिला सकते हैं इसके पश्चात हमें दिया है डी निर्जमीकरण हम कहेंगे जो निर्जमीकरण प्रक्रम होता है उसमें यहाँ पर दो प्रक्रम इस्तेमाल किए जाते हैं निर्जमीकरण जो प्रक्रम होता है उसका अर्थ यहाँ पर होता है कि हम इसे स्थायी बंध्यकरण के नाम से भी जानते हैं हम अगर इस प्रक्रम की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका अर्थ यहाँ पर जो होता है एक तो ये स्थायी रूप से कार्य करता है इस वजह से यहाँ पर इसे जो है स्थायी बंध्यकरण के नाम से भी जानते हैं अगर स्थायी बंधकरण की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार से ये संपन्न होती है इसमें एक तो होती है ट्यूबेक्टोमी अब अगर ट्यूबेक्टॉमी की हम बात करें कि ये किस प्रकार से संपन्न होती है तो हम कह सकते हैं ट्यूबेटॉमी जो होता है इसका अर्थ यहाँ पर होता है फेलोपियन नलिका को काट दिया जाता है अर्थात जो अंडाणु होता है वो यहाँ पर जो है गर्भाशय में अंतरोपित नहीं हो पाता तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फैलोपियन नलिका होती है उसे यहाँ पर काट दिया जाता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फैलोपियन को यहाँ पर काट दिया जाता है इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर दूसरे की बात करें तो वो हमें यहाँ पर वैसेक्टोमी दी है तो दूसरा जो प्रक्रम इसमें संपन्न होता है वो यहाँ पर वैसेक्टोमी के नाम का होता है अगर वैसेक्टोमी की बात करें तो शल्य क्रिया के द्वारा जैसे ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत यहाँ पर नलिका को काट दिया था वैसे ही वैसेक्टोमी के अंतर्गत यहाँ पर जो होता है स्क्रोटम के अंतर्गत यहाँ पर जो है वास डिफरेंस नामक नलिका पाई जाती है तो ये जो वास डेफ्रेंस नामक नलिका जो होती है जो कि शुक्राणुओं का परिवहन यहाँ पर डक्ट की तरफ करती है उस नलिका को यहाँ पर काट दिया जाता है तो हमें

है इसके पश्चात हमें दिया है बीमे आर एम पी तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत है और इसके पश्चात हमें बी में दिया है तो ये भी हमारा गलत है तो हम कहेंगे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कक्षा छब्बीस से बारवी ऐसी लेकर नीट आई आई टी जी वो एडवांस के लेवल तक कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप